30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? That Akbaruddin and Asaduddin Owaisi, the only thing that they have allowed inside old Hyderabad is Rohingya Muslims. Every single vote to Owaisi is a vote against India. नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार जैसे बड़े राज्य में 5 सीटें निकालने में सफल हुए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की फिलहाल खुद से ही उम्मीदें बढ़ गई हैं। बिहार में कमल दिखाने पर शायद ओवैसी का खुद के लिए आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। शायद यही वजह है कि अब ओवैसी कभी बंगाल के जरिए बीजेपी को घेरते हैं तो कभी रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यही किया है, अमित शाह को खुला चैलेंज दे दिया है, बिहार से बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई है। सोमवार को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूछा है, अगर इलेक्टोरल लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या हैं तो गृहमंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या ये देखना उनका काम नहीं है कि 30,000 से 40,000 रोहिंग्या का नाम कैसे शामिल हो गया? जाए तो खुजली हो जाती, कुछ दो मुंह को आप बोल रहे। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे, वो मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40 हजार रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए? बल्दिया में इलेक्ट्रल लिस्ट हम बनाते। ओवैसी ने बीजेपी की ईमानदार छवि पर तंज मारते हुए कहा, अगर बीजेपी वाकई ईमानदार है तो उसे मंगलवार शाम तक ऐसे 1,000 नाम दिखाने चाहिए। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के। असदुद्दीन ओवैसी का रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर राग इसलिए शुरू हुआ क्योंकि बीजेपी के यूथ विंग के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया था कि ओवैसी केवल विकास की बात करते हैं लेकिन वो हैदराबाद में केवल रोहिंग्या मुसलमानों को आने की इजाजत देते हैं। अफेबल दैट अकबरुद्दीन एंड असदुद्दीन ओवैसी आर स्पीकिंग अबाउट डेवलपमेंट, दे डिड नॉट लेट मेट्रो कम इनसाइड ओल्ड हैदराबाद, दे हैव नॉट लेट एनी डेवलपमेंट कम इनसाइड ओल्ड हैदराबाद, they have not let new infrastructure projects come inside old Hyderabad. The only thing that they have allowed inside old Hyderabad is Rohingya Muslims. Tejaswi Surya ne to ye bhi keh diya tha ki Asaduddin Owaisi Muhammad Ali Jinnah ke avatar hain, unhe vote dene ka matlab Bharat ke khilaf vote dena hai. Every single vote to Owaisi is a vote against India and everything that India stands for. हैदराबाद में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तेजस्वी सूर्या ने कहा, ये सिर्फ एक निगम चुनाव नहीं है, अगर आप यहां ओवैसी को वोट देते हैं तो वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यूपी जैसे राज्यों में मजबूत होते हैं। ओवैसी भाइयों पर हमला बोलते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा था, ये ठीक वैसी ही बातें करते हैं जैसे मोहम्मद अली जिन्ना किया करते थे और विभाजनकारी राजनीति करते हैं। He speaks the language of rabid Islamism which and separatism and extremism which Muhammad Ali Jinnah was also speaking. कट्टर इस्लाम की बात करने वाले AIMIM से लोगों को दूर रहना चाहिए। बस तेजस्वी सूर्या के इसी बयान से ओवैसी तिलमिलाए हुए हैं, तभी तो बीजेपी के खिलाफ फिर अपनी वही टोन का इस्तेमाल करते हुए ओवैसी कहते हैं उनका मकसद नफरत फैलाना है, ये जंग हैदराबाद और भाग्यनगर के बीच की है। अब ये तय करने की जिम्मेदारी आपकी है कि कौन जीतेगा। अब सवाल उठता है कि भला ये भाग्यनगर नाम कहां से आया, तो उसके लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2018 में कहा था कि तेलंगाना में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हैदराबाद शहर का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। यूपी सीएम ने कहा था, अगर आप लोग हैदराबाद को भाग्यनगर के रूप में बदलना चाहते हैं तो बीजेपी को चांस दें। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब दक्षिण के राज्यों की तरफ रुख कर रही है, अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में इन दिनों हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार चल रहा है, इससे पहले राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने वहां मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी की सफलता तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में पार्टी के लिए फायदेमंद होगी। ये तैयारी है हैदराबाद में निकाय चुनाव की, जिसके लिए 1 दिसंबर को मतदान किया जाना है। हैदराबाद में इस बार ओवैसी की AIMIM और KCR की TRS अलग होकर चुनाव लड़ रही है, जबकि राज्य की सत्ता में दोनों पार्टियां साथ हैं।
नगर निगम के 150 वार्ड के लिए होने वाले चुनाव अहम है और तेलंगाना सीएम केसीआर की तरफ से बयान दिया गया है कि इस बार वो ओवैसी के गढ़ में घुसकर उनको मात देंगे और सभी 150 सीटों पर लड़ेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ओवैसी का खेल क्या है, ओवैसी का बीजेपी पर ताजा कटाक्ष क्यों है, आखिर ओवैसी क्यों सीधा गृह मंत्री अमित शाह को ही निशाने पर ले रहे हैं। वैसे आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या बीजेपी हैदराबाद में निकाय चुनाव में कोई कमाल दिखा पाएगी या फिर बीजेपी की ये कोशिशें बेकार चली जाएंगी। अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आ रहे हैं, आके बोल रहे मजलिस को वोट दिए तो टीआरएस को फायदा होता, मजलिस को वोट दिए तो कांग्रेस को फायदा होता। बीजेपी के लोग बोल रहे कि हैदराबाद में 30,000-40,000 रोहिंग्या है वोटर लिस्ट में नाम है, वो असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए। मजलिस को वोट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है, मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है तो किसको दिखा रहे? एक मियां भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे। शुरू गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती आपके खादिम के ऊपर। ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए तुम लोग हैदराबाद में, हम लोग बोलते बीजेपी वालों अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो, खुजाओ मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ दो मुंह को आप बोल रहे, अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे, वो मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40,000 रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रोल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाई? बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते हैं। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के। फुबल दैट अकबरुद्दीन एंड असदुद्दीन ओवैसी आर स्पीकिंग अबाउट डेवलपमेंट, दे डिड नॉट लेट मेट्रो कम इनसाइड ओल्ड हैदराबाद, दे हैव नॉट लेट एनी डेवलपमेंट कम इनसाइड ओल्ड हैदराबाद, they have not let new infrastructure projects come inside old Hyderabad. The only thing that they have allowed inside old Hyderabad is Rohingya Muslims. So they have no right to speak about development. The party which says give us 15 minutes and we will show Hindus their place has no right to lecture the BJP on secular values and constitutional values. Every single vote to OYC is a vote against India and everything that India stands for. You have called him Jinnah. You have compared him as a new Jinnah. Why this comparison with Jinnah? He speaks the language of rabid Islamism which and separatism and extremism which Muhammad Ali Jinnah was also speaking. Which is why every single vigilant Bharatiya must stand up and fight against this divisive menace, communal politics of OYC brothers.